प्यारे साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक वाइज कुछ मिसलेनियस चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और डेफिनेटली ये आप लोगों को बेनिफिट इससे होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है, लिखेंगे भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान का मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट, फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर बनाए आप लोग नोट करेंगे, आंसर है कहां पर, लिखेंगे उद्घाटन हुआ है इसका पटना में। किसने खोले, बिहार के सीएम नीतीश कुमार। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, लिखेंगे बाब जोन्स पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है टाइगर वुड्स। और टाइगर वुड्स कौन है, ये गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं, कहाँ के हैं, यूएसए के। ये भी आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पटना किस नदी के किनारे। साथ के साथ नोट भी करते रहेंगे सारे बच्चे। ठीक है, क्लियर है, लिखेंगे इसके बाद, लिखेंगे फटाफट से लिखेंगे आयरिस क्या है, तो आयरिस आप लोग लिखेंगे भारत की पहली AI महिला टीचर, वुमेन टीचर। किस राज्य में है ये, राज्य का नाम लिखेंगे केरल। ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे, क्लियर है, एक एक चीजें जो है नोट कर लेंगे सारे के सारे बच्चे फटाफट से। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला वुमेन्स डे। 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, वाटर डे। फिर लिखेंगे आप लोग फटाफट से 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ठीक है, 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे। 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। इन दिवस में से एक आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगा। एक बार दोबारा पढ़िए, 8 मार्च वुमेन्स डे, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अब देखो दोनों में डेट सेम है, 22 मार्च और अप्रैल का फर्क है, तो पहले जल है और जल किस पर है, पृथ्वी पर, ऐसे करके याद कर लो। 5 जून पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई पॉपुलेशन डे और 16 सितंबर ओजोन संरक्षण, ओजोन डे मनाए जाते हैं। 1 ऑफ दिसंबर को एड्स डे और 23 दिसंबर को किसान दिवस हम लोग जो है वो मनाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए कुछ एक बार जीआई टैग देख लेते हैं हम लोग। जीआई टैग काफी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे रीसा पोशाक एक प्रकार का क्लोथ है। किसको मिला है, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, लिखेंगे मिर्चा चावल, तो मिर्चा चावल बिहार। इसके बाद लिखेंगे फटाफट से मातानी पछेड़ी, ये मिली है कहां पर, गुजरात। ठीक है, और लिखेंगे चुरपी पनीर लिखेंगे अरुणाचल।
अरुणाचल प्रदेश, और एक लिखेंगे सुंदर राजा, सुंदरजा आम लिखेंगे एमपी। बात क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरीके की? आप लोग मुझे जो है बताइए, याद हो रहा है आप लोगों के? नहीं सारे बच्चे बताइए, बार बार मैं रिवीजन कराता रहता हूँ इनके, और याद होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? शाहपुर कंडी डैम, ये काफी चर्चाओं में रहा था, लिखेंगे सारे बच्चे शाहपुर कंडी बांध या डैम कहाँ पर है भाई? आप लोग लिखेंगे कहाँ पर है, कौन सी नदी पर? रावी नदी। कौन से दो राज्यों की सीमा पर है? पंजाब एंड जे एंड के, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर है, लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब ये चर्चाओं में क्यों रहा, क्यों? वाई इन न्यूज, आप लोग इसको लिखेंगे, वाई इन न्यूज क्यों, वाई इन न्यूज क्यों, ये आप लोग याद रखेंगे। बिकॉज भारत ने जो सिंधु जल समझौता, सिंधु वाटर ट्रीटी जो हुई थी, कब हुआ था? 1960 में। उसके तहत क्या करा है? रावी नदी का पानी पाकिस्तान में जाने से रोक दिया। इसके पूरा अधिकार किस पर है? भारत पर है, रावी नदी। एक बार देख लेते हैं, सिंधु जल समझौता है क्या? तो सिंधु जल समझौता देख लेते हैं, ये आपकी इंडस होगी, फिर ये आपकी झेलम, और ये आपकी फिर आगे देखेंगे चिनाब। नीचे अगर हम लोग आएंगे तो सतलज, रावी और व्यास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट जो 1960 में हुआ था, और इसका मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। उसने कहा जो ऊपर की तीन नदियां हैं इनका 80% पावर पाकिस्तान के पास होगी, शक्ति यूज करने की, 20% बचा वो भारत यूज करेगा, जबकि यहां पर 80% भारत के पास, 20% पाकिस्तान के साथ। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे। याद हो गया? याद हो रहे हैं ना सारी चीजें आप लोगों को? चलिए जल्दी से कुछ देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री याद करते। नेपाल के बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया के बताएंगे, जापान के बताएंगे, यूएसए के बताएंगे, फ्रांस के बताएंगे, मिस्र के बताएंगे, ब्राज़ील के बताएंगे, इटली के बताएंगे। ठीक है, नेपाल के कौन है? रामचंद्र पोंडेल। ठीक है, और पुष्पकमल दहल क्या है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज है प्राइम मिनिस्टर, जापान के फोमियो किसदा है, यूएसए के जो बाइडन है। ठीक है, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों जो अभी आए थे 26 रिपब्लिक डे पर, मिस्र के क्या होने? अब्दुल फतेह सीसी, ब्राजील के लूला डी सिल्वा, इटली के जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ये तो बताया था मैंने, इसके बाद और डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कनाडा के बाद आप लोग देखेंगे किसके? मालदीव के। ठीक है, सिंगापुर के बताइए आप कमेंट, अभी सिंगापुर के बने हैं भारतीय मूल के, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। श्रीलंका के। ठीक है, तो कनाडा के कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, मालदीव के कौन है? मोइजू, जो चर्चाओं में रहे हैं। ठीक है, और सिंगापुर के बनाए हैं कौन? त्रिमन करके कुछ नाम है उनका, सिंगापुर के, केरल के हैं वो, भारतीय मूल। और श्रीलंका के कौन है? रोनिल विक्रम सिंधे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कुछ नाम जो है वो रिकॉल करा दिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए जाते जाते एक बार एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं,
UNHRC, लिखेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। कब बनी थी? 2006 में बना, और इसका हेडक्वार्टर लिखेंगे आप लोग जिनेवा, लिखेंगे हाल ही में रूस बाहर हुआ है, रूस बाहर हो गया। और अभी कितने मेंबर हैं इसमें? 47 इसके मेंबर है, और 47 में कौन है? चेक गणराज्य, चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक, जिसकी अभी वो मिस वर्ल्ड बनी है, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। एक और देख लेना यहाँ पर, अभी कौन बनाया? वही नाटो का 32वां कौन बनाया? NATO, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका कौन बनाया भाई? 31वां बताइए पहले, और फिर 32वां मेंबर बताइए। नाटो की स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, ठीक है। ये तो फिनलैंड बना था, और ये स्वीडन बना, ठीक है। और स्थापना 1948 नहीं है, 1949 में हुई, ठीक है। ये भाई नोट कर लेना सारे बच्चे, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू।